हेलो एवरीवन, स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो मीन्स वन कॉमन कार्बन एटम। दिस स्पायरो कंपाउंड हाउ टू नंबरिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। सपोज वन कार्बन, टू कार्बन एंड थ्री कॉमन कार्बन, फोर एंड फाइव। देर आर टोटल फाइव कार्बन। देयरफॉर वन कॉमन कार्बन मीन्स स्पायरो। देर आर वन एंड टू कार्बन मीन्स टू, अनदर देन टू टू। देर आर अनदर टू कार्बन मीन्स टू डॉट टू। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फाइव मीन्स पेंटेन। इन दिस स्पायरो कंपाउंड प्रेफर स्मॉल रिंग फॉर स्पायरो कंपाउंड। एस फॉर small, small for spiro. Look another example. There are one, two, suppose another side one, two, three, four carbon, but another ring having only two carbon, therefore small. Spiro means small paper, therefore numbering one, two and third common carbon, four, five, six and seven. Its name spiro. There are two carbon means two dot, one, two, three and four, two dot four. Total number of carbon seven means heptane. Another same kind of structure, but in both this spiro compound having both ring are same, therefore numbering from any rings one, two, three, four, five common carbon, six, seven, eight, nine. So spiro, one, two, three, four carbon. Another side also one, two, three, four carbon, four dot four. Total number of carbon nine for nonene. Friends, another structure, also spiro compound. इट इज़ नंबरिंग फ्रॉम स्मॉल। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस कार्बन स्मॉल रिंग रहेगी उधर से नंबरिंग की। लेकिन देखने का सबसे अटैच रहेगा इन दिस पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन हमें अटैच ऑफ मिथाइल ग्रुप। देयरफॉर नंबरिंग वन टू थ्री एंड फोर, फोर कॉमन। अभी हम लोग देखोगे तो थ्री के बाद आएगा फाइव, लेकिन ऊपर से जाओगे तो फाइव सिक्स सेवन एट। लेकिन हम लोगों को नियरेस्ट पोजिशन ऑफ सबसे अटैच है उधर से नंबरिंग करने का है। तो मिथाइल ग्रुप फाइव सिक्स सेवन एंड एट, इसका नाम क्या आएगा स्पायरो। अभी हम लोग देखेंगे तो वन टू थ्री कार्बन है, तो थ्री डॉट। इसमें वन टू थ्री फोर है, थ्री डॉट फोर, तो इसका नाम क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एट। तो क्या आएगा ऑक्टेन। लेकिन हम लोग का जो सबसे अटैच है किसमें पोजिशन पे है, वन एंड अनदर फाइव। तो क्या आएगा वन कॉमा फाइव। तो नाम क्या आएगा वन कॉमा फाइव डाई मिथाइल। दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वन कॉमा फाइव डाई मिथाइल स्पायरो थ्री डॉट फोर ऑक्टेन नाइम आएगा इसका। क्लियर। ये देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये भी स्पायरो है। स्मॉल रिंग से पेपर देंगे तो वन एंड टू कार्बन, इसलिए स्पायरो डॉट लिखा है। इसमें कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर, तो फोर डॉट आ गया। इसमें स्पायरो टू टू डॉट फोर आ गया। उसके बाद सेवन कार्बन है, तो क्या आएगा हेप्ट। इसमें एक्चुअली क्या है डबल बॉन्ड, तो एन ई सभी चेन टू ई एन ई एट पोजिशन फाइव। तो क्या आएगा नाम इसका, हेप्ट फाइव ई एन ई, ये इसका नाम आएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर का नाम। हेलो एवरीवन, बाईसाइक्लो कंपाउंड। देयर आर टू कॉमन कार्बन एटम। देयर आर टू डॉट, टू डॉट मीन्स टू कॉमन कार्बन एटम। लुक this side one, another side one, they jointed by carbon carbon single bond. This is an example of bicyclo compound. There are two ring having two common carbon atom. This is first, this is the second. How to numbering bicyclo? Numbering from bridge head carbon, one, two, three, four, five एंड सिक्स। इसमें स्टूडेंट्स टोटल सिक्स कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग किया हम लोगों ने।
और इसमें देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो दो ही कार्बन है इसलिए टू लिया। अनदर साइड देखो एक और वन और टू, तो 2.2 आ गया। और सेंटर वाला देखो ब्रिज हेड वाला, ऐसे स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसमें एक जीरो कार्बन है, इसके लिए उसका क्या लेंगे जीरो। और टोटल नंबर कार्बन कितने हो गए सिक्स, सिक्स को क्या बोलते हैं हेक्सेन, इसका नाम आ गया। इसका नाम क्या आएगा बाईसाइक्लो। ये 1 2 कार्बन, 2 आ गया, ये 1 2 कार्बन मीन्स 2 आ गया, और ये जीरो, इसका नाम क्या आएगा बाईसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। ये देखो हम लोगों ने दूसरा नया स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस साइड देखो तो 1 और 2 कार्बन है, इस साइड देखो तो 1 2 एंड 3 कार्बन है। तो बी से याद रखने का, बी फॉर बिग से क्या याद रखेंगे बाईसाइक्लो। तो बिग नंबर वाला रिंग कार्बन रहेगा ना, रिंग वाला, उसे नंबरिंग ही प्रेफर, तो उससे स्टार्ट किया तो इधर से नंबरिंग किया 1 ये 2 ये 3। तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को कैसे नंबरिंग करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 एंड 7, इसका नाम क्या आएगा बाईसाइक्लो। बराबर, तो हम लोगों ने इधर कितना लिया 3 कार्बन, तो ये 3 डॉट आएगा, 1 2 3। इधर कितने कार्बन है 2, इसलिए 2 डॉट आएगा, और बीच में क्या है जीरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्टेन। एक दूसरा बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिज है कार्बन है 1, इधर से देखें तो 1 2 कार्बन है, इधर भी 1 2 कार्बन है, बीच में 1 कार्बन है। तो हम लोग जो बिग रिंग है उधर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट किया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 एंड टोटल 7, 7 कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा बाईसाइक्लो। बराबर, और ये 2 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, और बीच में 1 कार्बन है, तो क्या आएगा 1 2 कॉमा 2.2.1। इसमें कॉमा लेंगे तो वो गलत आ जाएगा नोमेनक्लेचर, तो हम लोग क्या लेने का है डॉट लेने का है। टोटल कार्बन कार्बन कितने हैं टोटल 7, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्टेन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसमें सभी जगह 2 2 कार्बन है, तो हम 2 2 है, सभी 2 2 है, तो हम लोग किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन किधर से नंबरिंग करते हैं बिग रिंग, तो क्या आएगी ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग किया था 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 कार्बन, ये 8 कार्बन, तो क्या नाम आएगा बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 2.2.2। ये देखो 2, और ये भी 2 है, और बीच में भी 2 है, 2.2.2। और टोटल कार्बन कितने हो गए 8, 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टेन। हो गया सबका समझ में आ गया। ये देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो नया स्ट्रक्चर, इसमें आप देखोगे तो ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1, इधर से भी 2 कार्बन है, इधर से भी 2 कार्बन है, और बीच में 1 कार्बन है, लेकिन इस साइड में देखो राइट हैंड साइड में तो आपको क्या आएगा डबल बॉन्ड रेखा रहे रिंग में, तो इधर से नंबरिंग करोगे ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। और 7 पोजीशन में कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा 7.7। और 2 मिथाइल को क्या बोलते हैं डाई, डाई मिथाइल, और क्या आएगा बाईसाइक्लो। और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 2 कार्बन है, ये दूसरे 2 कार्बन है, और 1 कार्बन है बीच में, तो टोटल कितने कार्बन है 7, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्टेन। लेकिन आप लोगों का सेकंड पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड, तो यानी कि यानी सफिशियंट टू ई एन ई, डबल बॉन्ड है इसलिए हेप टू ई एन ई इसका नाम आएगा। ये हम लोगों ने जो देखे वो क्या है आप लोगों के बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बाईसाइक्लो में क्या आता है 2 कॉमन कार्बन। आई फिनाइल, देयर आर 2 फिनाइल रिंग ज्वाइन इन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ 2 फिनाइल रिंग, दे आर ज्वाइन बाई द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस बाई फिनाइल रिंग, देयर आर 2 रिंग, देयर फॉर इट इज नोन एज अ बाई फिनाइल, बाई फिनाइल ऑल्सो नोन एज अ डाई फिनाइल, बाई फिनाइल ऑल्सो नोन एज अ डाई फिनाइल। इन बाई फिनाइल देयर आर नंबरिंग,
There are carbon-carbon joining, therefore one first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and sixth carbon. On another left hand side ring, first 1', 2', 3', 4', 5' and 6'. Now nomenclature of biphenyl. Suppose two biphenyl ring, two ring having methyl substituent attached, then numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1', 2' means at second position methyl attached, another 2' position also methyl attached. They mean its name 2, 2' dimethyl biphenyl. It is a name of diphenyl. Another structure, there are at second position attach of fluorine, on another ring other attach of fluorine, then its name 2, 2' fluorine, then difluoro biphenyl. 2, 2, 2, 2' difluoro diphenyl. Next structure having SO3H group, sulfonic group present and methyl group present, for numbering from the nearest position of substituents. Therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6. At two position attach of SO3H group, sulfonic group. From below side 1', 2', 3', 4', 5', and 6'. Therefore 2' methyl biphenyl 2 sulfonic acid. सल्फोनिक ग्रुप को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी देते, इसलिए वो लास्ट में आ जाएगा. इसे आप लोगों ने, हम लोगों ने ऊपर वाला कैसे स्ट्रक्चर देख लिया कि SO3H ग्रुप था तो सल्फोनिक एसिड ले लिया, वैसे इधर हमारे पास का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन देखो नंबरिंग करो 1, 2, सेकंड पोजीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, और इधर से देखोगे तो 1', 2', 3', तो आप लोगों का सल्फोनिक ग्रुप क्या है, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, 3' पे. कैसे आएगा इसमें, तो पहले हम लोग लेंगे बाइफिनाइल, उसके बाद आएगा 2, 3', ये याद रखने का है 3' ने का, और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2, तो क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस प्रकार हम लोग कार्बोक बाइफिनाइल का नॉमिकेचर कर सकते हैं, बाइफिनाइल 2, 3' डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्यूमिलिन. क्यूमिलिन मीन्स क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट टू और मोर कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड. ये देखो आप लोग देख रहे हैं, तो इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर से अनदर डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 आ गए, तो इसे बोलते हैं इवेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. और इसमें 1, 2, 3 साथ में, देखो इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहते नहीं है, अल्टरनेट आ गया तो उसे बोलते हैं कंजुकेटेड डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें एक के बाद एक आ रहे हैं डबल बॉन्ड, इसलिए इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड. और क्यूमुलेटेड कंपाउंड कौन से रहते हैं, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड वाले. क्लियर, तो देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर निकाला, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, अरे ये भी कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, कंसेक्यूटिव, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन. तो इसका क्या होएगा, प्रोपा. और 1 पोजीशन और 2 पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा 1, 2, 9. 1, 2, 9. हम लोगों ने सेम दूसरा स्ट्रक्चर निकाल दिया, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4. इसमें के नाम क्या आएगा, बीटा, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे है थर्ड, तो इसका नाम आएगा 3 डबल बॉन्ड आएगा था ट्राई, और एन ई सभी चेन टू एन ई ट्राइन, ये आ गए हम लोगों का स्ट्रक्चर निकाल दिया हम लोगों ने क्यूमिलिन का. तो आप लोग देखोगे तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन हम लोगों ने पेरेंट चेन लगा दिया और उसके हिसाब से काउंट कर दिया, तो कितने कार्बन आ गए, 5, लॉन्गेस्ट चेन, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटा, बराबर. और ये 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा, पेंटा 2, 3 डाइन आ गए इसका नाम.
देखो एक अनदर एग्जांपल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है इसलिए उधर से हम लोगों को नंबरिंग करना पड़ेगा, A1, A2, A3, A4, A5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटा। और सेकंड और थर्ड पोजीशन को क्या अटैच है? क्या अटैच है? डबल बॉन्ड, क्या आएगा? डाइन। और 1 पोजीशन पर क्या अटैच है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? पेंटा 2,3 डाई कार्बो डाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे नंबरिंग करने का, उससे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं इसलिए वो भी नंबर में आएगा। तो टोटल मिला के कितने कार्बन गए? 5। 5 मीन्स पेंटा 2,3 डाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज ऑल आर नेम्स ऑफ क्यूमिलिन। क्यूमिलिन मीन्स प्रेजेंस ऑफ कंसेकेटिव डबल बॉन्ड, आइदर 2 और मोर देन, इट मे बी 3, 4, 5। क्लियर। हम लोग ने नेक्स्ट ले लिया क्विनोलिन। एक क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर नाइट्रोजन है, इधर से स्टार्ट करेंगे, ये 1 फर्स्ट नंबरिंग करेंगे, इससे सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। तो आप लोगों का ये सब नंबरिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सपोज आप लोगों का एक स्ट्रक्चर आ गया, हमारा ये इधर NO2 अटैच रहेगा ग्रुप, ये क्या रहेगा? NO2 अटैच। तो कौन से पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका नाम क्या आएगा? 5 नाइट्रो क्विनोलिन। इसका नाम क्या आएगा? 5 नाइट्रो क्विनोलिन। क्लियर। वैसे हम लोग सपोज हम लोगों का ये नाइट्रो ग्रुप अटैच रहता 8th पोजीशन, तो हम लोग कैसे करेंगे? ये हम लोग के नंबर क्या? 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, 7 और ये कौन सा पोजीशन आ गया? 8। तो इधर कौन सा अटैच रहना चाहिए? NO2 अटैच रहेगा, तो इधर इसका नाम क्या आएगा? 8 नाइट्रो क्विनोलिन, 8 नाइट्रो क्विनोलिन। सपोज हम लोग का स्ट्रक्चर निकालने का है 5 ब्रोमो क्विनोलिन, 5 ब्रोमो क्विनोलिन। तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे, 5th पोजीशन कौन सी है? ये वाली। तो क्या आएगा इधर? 5 ब्रोमो क्विनोलिन। क्लियर। ये देखो ये किसके स्ट्रक्चर है? आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में कैसे नंबरिंग करते हैं? इधर से ये 1, ये क्या आ गया? 2, ये क्या आ गया? 3, ये क्या आ गया? 4, ये क्या आ गया? 5, ये आ गया 6, ये 7 और 8। जैसे क्विनोलिन का किया हम लोगों ने नंबरिंग, सेम वैसा ही आइसोक्विनोलिन का करने का है, लेकिन नाम लिखते टाइम देखने का है। सब इधर हम लोगों ने अटैच कर दिया BR। तो आप लोगों का नंबरिंग देखोगे तो 5 पोजीशन है, इसका नाम क्या आएगा? 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन, क्या आएगा? 5 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन। सपोज हम लोगों ने अटैच कर दिया सल्फोनिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया? सल्फोनिक। सल्फोनिक मीन SO3 एज ग्रुप। कौन से पोजीशन पर अटैच कर दिया? 8 पोजीशन पे। तो नंबरिंग करोगे तो ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। इसका नाम क्या आएगा? आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड, 8 सल्फोनिक एसिड, ये नाम आएगा इसका। क्लियर हो गया। देखो अनदर स्ट्रक्चर, NO2 अटैच है, नंबर क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पोजीशन। इसका नाम क्या आएगा? 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन। क्लियर। आइसोक्विनोलिन। देखो हम लोग स्पायरो देखने वाले हैं, तो स्पायरो का जो हम लोग ने एग्जांपल देखे, इधर स्पायरो इसका मतलब एक कॉमन कार्बन ले लिया, और इधर स्मॉल रिंग की इधर से सटी है 2, तो हम लोगों ने 2 कार्बन ले लिए, बराबर 2 कार्बन ले लिए। और उसके बाद कितने हैं? 4, ए 1, ए 2, ए 3, ए 4 हो गया, और इसको ये ज्वाइन कर दिया, तो टोटल नंबर कार्बन कितने रहेंगे? 7। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। नंबरिंग किया तो 1, 2, 3, स्मॉल रिंग को प्रेफर देंगे हम लोग, 4, 5, 6 एंड 7, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में क्या याद रखने का? 2 कॉमन कार्बन, 2 कॉमन कार्बन लेने के,
और इसमें देखो ये कितने कार्बन है, टू, ये दो कार्बन ले लिया और फिर से दो कार्बन है और उसके बाद कितने कार्बन है, वन कार्बन। ये स्ट्रक्चर ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों सेम है और नंबरिंग किधर से करने की, ब्रिज हेड कार्बन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और एक याद रखने का बायसाइकिलों में, एक ही याद रखने का, जो बिगर रिंग है उधर से स्टार्ट करने का है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 7। सेवन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्यूमिलिन। क्यूमिलिन में कितने आते हैं, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, और इसमें कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आएंगे। टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कार्बन ले लिया हम लोगों ने। तो देखो बच्चे लोग, इसमें नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। हम लोग के डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे। और उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करो, ये क्या आएगा, CH3। इसके बाद क्या आएगा, CH। इसमें कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी देखो, इधर 1 कम है तो क्या आएगा, CH, और लास्ट में क्या आएगा, CH3। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमिलिन। ये देखो हम लोग ने एक फिनाइल वाला स्ट्रक्चर निकाल दिया है, इसका कैसे नंबरिंग करेंगे, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए प्रायोरिटी देंगे, नीचे से नंबरिंग करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। तो 6 पोजीशन में क्या है, फ्लोरिन। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1-2-3-4-5-6। तो 6,6- क्या है, फ्लोरिन। कितने फ्लोरिन है, 2, उसके बोलते हैं डाई फ्लोरो, बराबर। और ये कितने फिनाइल है, 2 फिनाइल, इसलिए इसको बाई फिनाइल भी बोल सकते हैं, नहीं तो डाई फिनाइल भी बोल सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, 2,2-, कितने हैं, 2, 2 का क्या बोलते हैं, डाई, और इसको क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसका नाम हो गया आप लोगों का, बाई फिनाइल। इसी हिसाब से आप लोगों ने इधर स्पायरों के देखे, 1 कॉमन कार्बन, बाईसाइकिलों का देखा, 2 कॉमन कार्बन, उसके बाद क्यूमिलिन देखा, उसके बाद बाई फिनाइल देखे। क्लियर। देखो एक बार कैसे नाम लिखा, नंबरिंग किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से 1-2-3-4-5-6। क्लियर। उसी हिसाब से 6,6-डाईफ्लोरो बाईफिनाइल, 2,2-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।